क्या हीरा जहरीला होता है? क्या इसे महज चख लेने से, चाट लेने से मृत्यु हो सकती है? हमने अक्सर कई फिल्मों में देखा है, कई किताबों में ऐसा पढ़ा है, कहानी किस्सों में सुना है कि हीरा चूस कर लोग मर जाया करते थे, राजा रानियां मर जाया करते थे, उनके जो गुप्तचर थे, उनके जो स्पाइस थे, जासूस जो थे, वो भी मर जाया करते थे हीरे को चूस कर, उनकी अंगूठी में हीरे को चूस कर वो मर जाया करते थे। तो क्या ये बात सच है कि अगर आज हम हीरा खरीदें, अपने हाथों में पहने और गलती से वो उसे हम गलती से टेस्ट कर लें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी? क्या हीरे में जहर होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सच्चाई ये है कि हीरा चाटने से आप मर भी सकते हैं और नहीं भी, इसके दो कारण हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना होगा कि हीरे को आखिर तराशा कैसे जाता है, क्योंकि इसके बगैर आप नहीं जान पाएंगे कि हीरा चाटने से किसी की मृत्यु अगर हो सकती है तो वो कैसे हो सकती है। आपको बता दें कि हीरे को तराशने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है एसीटोन। किसी भी हीरे को तराशने के लिए ये दोनों केमिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। हीरे को तराशने से पहले एक घूमने वाली डिस्क के ऊपर कई तरह के केमिकल लगाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर हीरे का पाउडर छिड़का जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हीरे का पाउडर, डायमंड डस्ट। हीरे का पाउडर इसलिए छिड़का जाता है क्योंकि हीरा इस दुनिया का सबसे सख्त मटीरियल है और कोई भी दूसरी चीज इसमें एक खरोच तक पैदा नहीं कर सकती। एक हीरे को सिर्फ एक हीरा ही काट सकता है। इसी वजह से तराशने के लिए इसमें हीरे का पाउडर मिलाया जाता है और फिर इसमें हीरे की घिसाई होती है। इसके बाद इस हीरे को साफ करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड जैसे खतरनाक केमिकल्स की मदद दी जाती है। वहीं घिसाई के बाद हीरे को पॉलिश करने के लिए और भी कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप केमिकल से भरे इस तरह के किसी हीरे को चाटते हैं तो जाहिर है इससे आपकी जान भी जा सकती है, आप बीमार तो बिल्कुल पड़ ही सकते हैं क्योंकि खतरनाक केमिकल होते हैं इसमें। लेकिन ज्वेलरी दुकानों में बिकने वाले हीरों को अच्छी तरह से साफ करके बेचा जाता है, इसलिए अगर आप ऐसे किसी हीरे को चाटेंगे तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप किसी हीरे को निगल जाते हैं तो समझ लीजिए इसमें किसी भी इंसान की मौत हो ही सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरा इस दुनिया का सबसे सख्त मिनरल है, जिसे आपका पाचन तंत्र पचा नहीं सकता, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही हीरे के अलावा कोई दूसरी चीज इसे काट सकती है। अगर हीरा किसी इंसानी शरीर के अंदर चला जाए तो ये उसके अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और वक्त में अगर सही उपचार ना मिले तो मौत होना निश्चित है, अगर आपने एक बड़ा हीरा निगल लिया तब की बात बता रहे। लेकिन आपने कई सारी फिल्मों में, यहां तक कि कुछ प्राचीन किताबों में भी देखा होगा कि प्राचीन समय के राजा महाराजा अपनी अंगूठी में लगे हीरे को चाट कर मर जाया करते थे। भला इसके पीछे क्या राज है? असल में दोस्तों, उस वक्त राजा महाराजा जिस हीरे को पहनते थे उसमें उन्होंने खुद ही वॉलंटरली जहर लगा दिया होता था। उस हीरे के ठीक नीचे जहर भर कर रखते थे, इसको चाटने के बाद उनकी मौत हो जाती थी। राजा महाराजा, यहाँ तक कि गुप्तचर भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी अंगूठी में लगे हीरे के नीचे जहर छिपा कर रखते थे। ऐसा इसलिए ताकि अगर किसी राजा की युद्ध में शिकस्त हो गई या फिर कोई गुप्तचर पकड़ा गया तो कैद होने से अच्छा वो अपनी जान देना पसंद करते थे। तो आप समझ गए होंगे कि हीरा चाटने वाली ये कहानियां कहां तक सही हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात और, एक और फॉर्मेट में हीरा मौत के घाट उतार सकता है। हचिंसन नाम के एक पुराने जो चिकित्सक थे, इतिहास के बड़े चिकित्सकों में उनका नाम आता है हचिंसन। हचिंसन ने यह बताया था कि डायमंड का बुरादा, वही डायमंड डस्ट जिसे उस गोल घिर्री में डाला जाता है जिसके ऊपर में डायमंड की घिसाई की जाती है, उसकी कटिंग की जाती है, वहां पर ये डायमंड डस्ट जो है ये दुनिया का सबसे खतरनाक और स्लो डेथ, धीमी मौत देने का सबसे बड़ा खतरनाक जहर, क्योंकि इसे ट्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस डायमंड डस्ट को कंज्यूम कर ले, खा ले, तो ये डायमंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके पेट में चले जाते हैं, उसकी अतड़ियों में चले जाते हैं। और आप जानते हैं कि अतड़ियों में एक स्पेशल प्रकार का मूवमेंट होता है जिससे आपका खाना पेट से छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में और वहां से होता हुआ फिर आपके मलद्वार से शरीर से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। इस मूवमेंट को कहा जाता है परिस्टालसिस। एक रिदमिक मोशन होता है जिससे खाना जो है आपके आहार नली से होता हुआ, आपके स्टमक से होता हुआ, आपकी छोटी आंत से होता हुआ, बड़ी आंत से होता हुआ बाहर निकलता है। इस रिदमिक मोशन के चलते अगर किसी व्यक्ति ने वो डायमंड डस्ट खा ली तो उसके बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं डायमंड के, तो जानते हैं आपकी डायमंड दुनिया का सबसे कठोर मिनरल है,
ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बारीक जो दाने होते हैं डायमंड डस्ट के, वो धीरे 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 छोटी आंत बड़ी आंत सब में अंदर की तरफ घुसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं पेरिस्टाल्सिस के चलते। और ये तब तक घुसते रहते हैं, पेरिस्टाल्सिस होता रहता है जब तक कि पूरे पेट के अंदर के जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें ख़राब ना कर देते, उन्हें छेद ना कर सके। और इसका जब कुछ भी करवाया जाता है, कोई भी स्कैन कराएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं डायमंड के डस्ट, कुछ पता नहीं चलेगा। आदमी की मौत 2 महीने में भी हो सकती है और 6 महीने में भी हो सकती है, लेकिन उसे अथाह दर्द होगा जिसे वो बयान नहीं कर पाएगा कि क्यों हो रहा है, वो डिटेक्ट नहीं होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो तब इस केस में डायमंड बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। तो ये दिलचस्प बात है जो हमने आपको डायमंड के बारे में बताई है, कैसी लगी आपको ये हमें जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस रोचक जानकारी को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।